एंड्रॉयड फोन कौन यूज नहीं करता। सो मैं किसी बच्चे के हाथ में देख लो, या फिर कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट, या फिर किसी भी स्कूल का स्टूडेंट क्यों ना हो, या फिर कोई बूढ़ा जवान क्यों ना हो, हर किसी के हाथ में आपको एंड्रॉयड फोन मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड फोन में एक ऐसा आपको फीचर दिया जाता है जिसके बारे में डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए, और ऐसे में ये भी ट्रिक आपको यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये ट्रिक है कॉल बैरिंग, जो कि आपको हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में, या फिर आईफोन क्यों ना हो, हर एक फ़ोन में आपको सेटिंग्स दिया जाता है जिसका नाम है कॉल बैरिंग। दोस्तों, कॉल बैरिंग को इनेबल या फिर डिसेबल कैसे किया जाता है, या फिर क्या है कॉल बैरिंग, तो सो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप कॉल बैरिंग्स को यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल बैरिंग सेटिंग इसलिए दिया जाता है अगर आप चाहते हैं किसी का कॉल ना आए आपके फ़ोन में, या फिर आप चाहते हैं जो किसी का कॉल आपके फ़ोन में ना लगे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जो फिर किसी भी बच्चे के हाथ में कोई भी फ़ोन जाता है, या फिर कोई भी आपसे मोबाइल फ़ोन मांगता है, तो ऐसे में आप चाहते हैं जो किसी को कॉल ना कर दे, या फिर किसी का कॉल ना आ जाए, जो ये बंदा रिसीव कर ले, या फिर किसी को कॉल ना करना चाहे, तो ऐसे में ये आप कॉल बैरिंग सेटिंग्स कर सकते हैं, या फिर कैलो कॉल कॉलर आईडी भी आपको दिया जाता है। ऐसे में आपको दो सेटिंग्स बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक पिन के जो है एक कोड के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो है एक सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा किस तरीके से आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो आपको कोड का ऑप्शन बताऊंगा, और दूसरा सेटिंग्स में बताऊंगा कैसे आप कॉल बैरिंग सेटिंग्स कर सकते हैं इनेबल या फिर डिसेबल। तो सिंपली फेस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ डायल कॉल में आपको जो है लिखना है *31#, डायल कर देने के बाद जो है कॉल कर लेना है। जैसे ही आप कॉल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने आ जाता है यू कैन चेंज दिस कॉलर आईडी। तो ये आपको दो ऑप्शन में आप जो है इस कोड को यूज कर सकते हैं, या आपको कॉलर आईडी में भी यूज़ कर सकते हैं इस कोड को। जो आपका किसी भी आउटगोइंग कॉल आप नहीं करना चाहते हैं तो कॉलर आईडी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेयरिंग कॉल में भी यूज़ करना तो इस कोड को जो है यूज कर सकते हैं। तो ये इनेबल हो गया। अगर आप चाहते हैं डिसेबल करना तो आपको फिर से यहाँ डायल करना है *31#, फिर आपको कॉलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉलिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे बोला जाता है आउटगोइंग कॉलर आईडी सर्विस हैज बीन डिसेबल। तो इसके मतलब जो आपका जो है कॉलर आईडी का जो है डिसेबल कर दिया गया है। उसके बाद जो है दूसरा सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ आपको कॉल सेटिंग्स में क्लिक करना है। मेरा MI का फ़ोन है तो यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन दिया जाए, और अगर आपका सैमसंग का हो इस जो है कोड को, या फिर इस सेटिंग्स को आप आईफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हालांकि आप आईफोन में, अगर आप सैमसंग का है तो इसमें आपको अलग फीचर्स मिल जाता है। तो यहाँ मेरा MI का है तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप नीचे आते हैं, तो यहाँ नीचे आपको प्राइवेसी और पब्लिश के ऊपर वाला ऑप्शन एडवांस सेटिंग्स जो कि आपको मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, एक कॉल बैरिंग और दूसरा SIP सेटिंग्स, और तीसरा ऑप्शन दिया जाता है कॉलर आईडी। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था जो आपको कोड का बताया, तो ये कोड आप कॉलर आईडी में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल बैरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ आप कॉल बैरिंग पर क्लिक करते हैं, कॉल बैरिंग में क्लिक करने के बाद जो है, तो कॉल बैरिंग में क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आप कैसे इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आपको ऊपर वाला जो है ऑल आउटगोइंग कॉल, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है, अगर आपका MI सैमसंग का, या फिर आईफोन हो, या फिर कोई भी MI का फ़ोन हो, तो फिलहाल मेरे पास MI का फ़ोन है तो इसमें कोड नहीं मांगा जाता है। अगर आपके पास सैमसंग का हो, या फिर आईफोन हो, या फिर कोई भी फ़ोन हो, तो उसमें आपसे जो है लॉक मांगा जाता है, जो पासवर्ड मांगा जाता है। तो कई यूट्यूब में अगर आप कई सारी वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है, जो आप कस्टमर केयर को कॉल करके वो नंबर जो है पासवर्ड पूछ सकते हैं,
और उसी पासवर्ड से इसको इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी इनेबल कर सकते हैं जो आपका फ़ोन का पासवर्ड हो। लाल मेरा MI का फ़ोन है तो इसमें पासवर्ड नहीं मांगा जाता है। अगर आप सैमसंग का या फिर आईफोन या फिर कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं ओप्पो वीवो, तो उसमें आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और जो आपका फ़ोन लॉक हो उस पासवर्ड को इंटर कर देना है, उससे आपका इनेबल हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो आपको लाइव दिखाता कैसे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है, 5। एक तो कॉल आउटिंग कॉल्स, और दूसरा इंटरनल कॉल, आप किसी भी कॉल को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर आप चाहते हैं जो किसी का भी कोई भी कॉल ना आ पाए या फिर किसी को कॉल करूँ तो ना कोई कॉल जा पाए, तो ऐसे में ये आप 5 सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे कोई भी कॉल हो, किसी भी तरह कोई भी कॉल हो, तो वो आपका यहाँ नहीं आ सकता है और आपका फ़ोन से कोई कर भी नहीं सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और टेक जेकी टॉप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ाना ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं, और किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।